वॉशरूम करवा के यहाँ पे स्पेशल अपनी पिक्चर लेने के लिए रुके हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब शदीद भूख लगी हुई थी, बच्चों ने भी नाश्ता नहीं किया हुआ था इतना, और ये सारा खाना ना ये लोग घर तैयार करते हैं। मैंने और ये बंदा जो है ना, इसने मुझे कल से इतना इरिटेट किया हुआ है ना, जिसकी हद नहीं। वैसे मेरी सारी घर की जो इलेक्ट्रॉनिक है ना वो ख़राब हो गई थी, फ्रिज, माइक। आपको किसने कहा? चलो अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं इधर इधर वो है सामने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? मैं करती हूँ, आप सब ठीक ठाक होंगे, खा रहे होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खा रहे हैं। चप्पल भी खा लो अपनी। गाड़ी की सेल लगी है, ये सेल नहीं लगी है, नहीं। अच्छा जी, आज बच्चों की थोड़ी सी ये खास तौर पे इस बच्चे की जो है ना मिंटर की शॉपिंग करने आए हैं। इस बच्चे को भाई साहब को ना ये इधर दिखाना, जरा ये दिखाओ, ये इसको शर्ट अच्छी खासी खुल रही है, और अंदर किया हुआ है, सांस अंदर किया हुआ इस बच्चे ने। और इस बच्चे को कहते हैं मुझे कपड़े पूरे नहीं है, तो अब जी इसके थोड़े से कपड़े लेने जा रहे हैं। किधर से? इधर से पसंद आ गया। अच्छा फिर आपको पॉकेट मनी मिली है ना, फिर आप उसके ले लेना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। काम से आए ना तो बच्चों को ना घर से आप वॉशरूम करवा के फ्री करा के आओ ना, तब भी इनको ना अपने काम पर जाते हैं। अब जी वॉशरूम करवाया, शॉपिंग तकरीबन हमारी हो गई है। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, एक तो जी वो क्या कहते हैं अलाउ नहीं करते, और दूसरा फिर अंदर दूसरे लोग भी होते तो इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अब सारी हो गई है, सिर्फ एक बूट चेक करने हैं, वो करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। और आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, अभी मुझे ग्रॉसरी करने भी जाना है। और हैप्पी हो? अल्हम्दुलिल्लाह तो कर लो। पर आज मुझे एक जैकेट नहीं लेकर, जैकेट ले देंगे? मुझे वो कुछ सही नहीं लग रही थी इस वजह से, वो सही नहीं थी, वो थोड़ी सी मुझे ना वो हाफ स्लीवलेस थी, और बाबा ने आपको स्लीवलेस पहनने नहीं देनी, तो फ़ायदा क्या इतनी महंगी भी लें और फिर पहनो भी ना, इसलिए नहीं बताती। फिर सामने ना हमने इंडोर पे अपने बैग रखवाए थे, वो ले लेंगे, बहुत प्यारे इन्होंने सजाया है। और मोहम्मद मिसा यहाँ पे स्पेशल अपनी पिक्चर लेने के लिए रुके हैं, ठीक है? मैं आपको सेंड कर दूँगी, आप टेंशन ना लो। एक तरह इनके मोबाइल्स पे पहले हमें सेंड करनी पड़ती। आप अंदर हो यहाँ पे जी, हम शूज़ लेने आए हैं, अभी लेके देती हूँ, अभी लेके देती हूँ। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, लेके दूँ और लेके दूँ। ये इस बच्चे के बूट के हाल देखे, इतने बुरे हाल कर देते हैं। चलो जी, इनकी अपनी शॉपिंग स्टार्ट हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारी शॉपिंग हो गई है, बच्चों की भी हो गई है, हस्बैंड की भी हो गई है, और वो शूज़ भी ले लिया और बेल्ट भी ले लिया हस्बैंड की। चलो चलो चलो, बस अब कुछ खाना है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ। चलो चलो चलो, म्यूज़िक चल रहा है यहाँ पे। घर में आए हैं, मैंने कहा ये रख दें, अब मैं करने जा रही हूँ ग्रॉसरी, क्योंकि सब कुछ अभी जो है ना करना, क्योंकि मंडे से जो है ना इनके फिर अभी असेसमेंट ख़त्म हुए हुए एक दिन भी नहीं हुआ, लेकिन ना साथ ही लेकिन टेस्ट तो हो रहे हैं ना बीच में, सरप्राइजेस टेस्ट और वो दूसरे स्पेल। तो बस जी अब इनकी तैयारी करवानी है, तो मैंने कहा आज सैटरडे है, जो भी करना है ना बस आज ही कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर आ गए, आज बहुत रश है, जहाँ भी जा रहे हैं ना इतना रश है जिसकी कोई हद नहीं। ग्रॉसरी भी सारी हो गई है, ग्रॉसरी भी सारी करके ले आए हैं, कुछ अंदर किचन में रखी है, वहाँ पे कुछ ये पड़ी है सारी, वो पड़ी है सारी इधर उधर पड़ी हुई है। अब घर इतना साफ सुथरा करके गए थे और हालत देखे घर के। क्यों जी, कैमरा क्यों उधर करूँ? चले जी, कपड़े चेंज कर। सारा दिन खवार होने के बाद, चीज़ें लाने के बाद, अब शदीद भूख लगी हुई थी, बच्चों ने भी नाश्ता नहीं किया हुआ था इतना, और मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया, बच्चों ने सिर्फ दूध पिया था। तो अब हम ना आज खाना बड़े दिनों बाद ना बाहर खाने आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सूप मंगवाया और ऑर्डर किया, अभी आता तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। हाँ भाई जी, आज बाकी जो काम थे वो करने निकले हैं, और कोई भी काम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जी पता नहीं लॉकडाउन है या क्या है। इस टाइम दोपहर के तकरीबन जो है ना 1:30 से ऊपर टाइम है, 2 बजने वाले हैं ठहरे में, हाँ नहीं 2:10 हो गए हैं, 2:10 हो गए हैं, और अभी तक हम PIA रोड से होके आए हैं, वहाँ पे सारी शॉप्स बंद है, अभी सिर्फ एजेंसी खुला हुआ है, वो अभी खुला है। थोड़ा पीछे होके बैठो ना, फेस पूरा नहीं आता आपका। तो अब जी रात को जो है ना ये हुआ सिलसिला कि हम वहाँ पे खाना खाने बैठे थे, सूप अभी पिया, हस्बैंड की कॉल आ गई, और उन्होंने क्या किया जी, फटाफट ऐसे 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 बस खाना हमने खाया नहीं है, उसको निकला है। उनको एक बहुत ज़रूरी काम जाना था, वो इंतहाई ज़रूरी काम, सुबह से मैं निकली हुई थी घर से, आए और सुबह से कुछ खाया भी नहीं हुआ था कल, ना बच्चों ने ना मैंने,
तो खाना खाने बैठे थे, इनकी कॉल आ गई दोबारा, सिर्फ खाना खाने हमें लेके गए हैं, कॉल आ गई वहाँ से चले गए जी ये वापस। और मुझे इतना थे नहीं पापा हमें तो छोड़ कर घर छोड़ के गए ना, मतलब खाना हमने खाया नहीं, हमने खाने को निगला, मतलब इतनी जल्दी हमने खाना निगलते हैं ना तो अच्छी बात नहीं होती। हाँ जी बस फिर मुझे गुस्सा चढ़ गया, फिर मैंने कोई काम नहीं किया, मैं घर आके लेट गई, बहुत ज्यादा थक चुकी हुई थी। अब जी सुबह उठे हैं, सुबह सारे घर के काम किए, ग्रोसरी वगैरह समेटी है, अब जी बाकी काम जो थे चेंजिंग करवानी थी एक दो चीज़ों की, और थोड़ी सी और वो जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह लेने थे, इस तरह के छोटे 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 काम थे। तो उसके हाँ इन चीजों की कल लेके आया था ना, थोड़ा साइज चेंज मेरा मेरा भी, मैंने अपना ट्राउजर पहना ब्लू वाला, मैं बैठा ना तो ऐसे लग रहा था फट जाएगा। हाँ जी और मम्मा सारी सेम लेकर आई है तो सारों को करना पड़ेगा। हाँ जी आप 9 ईयर के हो माशाल्लाह, और आप मैं वो लेके आई हूँ इसके 11 to 12 लेके आई हूँ, लेकिन वो भी ना इसको थाई से थोड़े से वो हो रहे हैं, तो इस वजह से अब जी यहाँ पे हम दोपहर के 2 बजे ना नाश्ता किया हुआ ना कुछ किया हुआ है, तो अब जो है ना हम यहाँ पे दोपहर का खाना भी कह लें और नाश्ता भी कह लें। और ये बंदा जो है ना इसने मुझे कल से इतना इरिटेट किया हुआ है ना, जिसकी कोई हद नहीं, कोई काम नहीं मेरा हो रहा ना करने दे रहा है, बस मैं क्या बताऊँ, इंतहाई मुझे सख्त गुस्सा चढ़ा हुआ है इस टाइम, मैं सख्त गुस्से में बैठी हुई हूँ। अब देखते हैं इसके बाद क्या करते हैं। कीमा मंगवाया, तवा कीमा, चने, मटरों वाले चावल, और ये सारा खाना ना ये लोग घर तैयार करते हैं। मैंने सिर्फ अभी कीमा चेक किया, मैंने मटरों वाले चावल नहीं चेक किए, लेकिन बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े का है, ये भी बहुत मज़े का लगा जी। खाना हमने खा लिया है, खाना बहुत ही टेस्टी, टेस्टी मीन्स के घर का खाना, घर के खाने का फ्लेवर है, कोई अगर कह दे ना कि ये बाहर के खाना है तो फिर जो मर्जी मुझे आगे कह दे, बिल्कुल घर का खाना है, टेस्टी है, मज़े का है, लेकिन मुझे थोड़े प्राइजेस इनके ज़्यादा लगे हैं, थोड़े से ज़्यादा नहीं, थोड़े से प्राइजेस इनके ज़्यादा हैं। तो बहरहाल एक दफ़ा कोई एक आधी बंदा डिश आके चेक कर सकता है, खा सकता है, ज़रूर खाइए। ये कहा एच ब्लॉक पे है ना, एच ब्लॉक में है, क्या नाम है, स्लिमीज के नाम से है ये वाली रोड पे है एच ब्लॉक। चलो जी खाना खाने के बाद जो है ना हम यहाँ पे पार्क में आ गए हैं, DHA के पार्क में आ गए हम, और ये तो नक्शा ही बदल गया, जब हम यहाँ पे रहते थे ना तब यहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल था और कुछ भी नहीं था, और हम रहते थे इधर सामने, ये जो रोड जा रही है ना इससे आगे 3 से 4 घर छोड़ के रहते थे, और मुझे अफसोस हो रहा है। आगे वो देखो पानी है, ध्यान से आना, ध्यान से। तो अब मुझे अफसोस हो रहा है कि हम यहाँ से क्यों गए, लेकिन हम यहाँ से किसी वजह से गए थे क्योंकि यहाँ पे साथ ही ना बहुत बड़ा यहाँ पे ना स्विंग पर बताए, मैं उधर बैठ नहीं पाऊंगा, वरना नहीं गिर जाओगे, वहाँ पे पानी है बहुत ज्यादा, कुछ नहीं गिरता, नहीं कीचड़ में गिर जाओगे, नहीं गिरता, ये राउंड वाला ले लो, राउंड वाला ले लो, मैं वो ले रहा, मामा जल्दी है मुझे बैठा दे, मैं नहीं बैठा सकती मोहम्मद अहमद, उधर आए तो ना स्विंग को पकड़े ना। अच्छा मैं ना आपको बता रही थी कि यहाँ पे ना बहुत बड़ा एक नाला है आगे जाके, तो उसकी वजह से मेरी सारी घर की जो इलेक्ट्रॉनिक है ना वो ख़राब हो गई थी, फ्रिज, माइक्रोवेव, ओवन, हर चीज़ मेरी ख़राब हो गई थी, इस वजह से हमें यहाँ से मूव करना पड़ा था, और यहाँ से मूव करने की कोई वजह नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी भी अच्छी है, दूसरी चीज़ें भी अच्छी हैं। लेकिन चलो जी उधर पार्क से आके अब ये हम हलोकी वाले पार्क में आ गए हैं। हाँ जी उधर ना पानी था जो लोग आगे, तो फिर इन्होंने बाबा से कह के अब इधर आ गए, इधर पानी नहीं है, और मेरे साथ बोला भी नहीं जा रहा, पता नहीं मैं व्लॉग क्या बना रही हूँ आज, कल से कोई सिस्टम ही नहीं बन रहा बनाने का, क्योंकि बस कोई रूटीन ही नहीं है, कभी कहीं से कोई आवाज़ पड़ जाती, कभी कहीं से आवाज़ पड़ जाती, और कभी आज सर में बहुत शदीद दर्द है, बोला भी नहीं जा रहा, कुछ नहीं, अजान हो रही है अब। तो आप आराम से सेंटर में पाँव रखोगे ना फिर नहीं गिरोगे। खुद ही गिरोगे। घर हम आ गए, आके मैंने चाय शाय पिया है, सर में बहुत शदीद दर्द हो रही थी, और बच्चों को अब मैंने पढ़ने में बैठाया है क्योंकि उनके स्पेल चेक भी हैं और एग्ज़ाम भी जैसे मैंने बताया स्टार्ट होने वाले हैं, तो बस अब उनको हल्की फुल्की घर तैयारी करवाती हूँ। तो बस अब हस्बैंड चले गए हैं,
बस ये थी जी मेरी 2 दिन की रूटीन, और काम मेरा कोई भी नहीं हुआ। हस्बैंड कहीं पे भी नहीं लेके गए, बस पता नहीं क्यों नहीं लेके गए, समझ से बाहर है। हालांकि काम काफ़ी थे, छोटे छोटे काम थे, काफ़ी थे। तो चले जी, अब इसी नोट पे आप चले थे इजाज़त। लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।